नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी ब्लॉग्स में। मैं हूँ नताशा। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर सरोज और सुनीता के बारे में। भैया दोनों में घमासान बजी हुई है और लड़ाई का लेवल इस लेवल तक चला गया है कि कैरेक्टर तक पर उंगलियाँ उठाई जा रही है। और ये पहली बात नहीं है जब इस फैमिली ने लड़कर ऐसी हरकतें की है। और इन हरकतें करने में सबसे ज़्यादा जो आगे रहे हैं वो हमेशा कालू भैया रहे हैं। कालू भैया अपनी बहनों के कैरेक्टर पर उंगलियां उठाते हुए नजर आते थे, कभी किसी पर कभी किसी पर। खैर, इसका खुलासा सरोज ने ये कहकर कर दिया कि भाई अरमान मलिक वीडियो बनवाते हैं, जब उनकी किसी से लड़ाई बढ़ जाती है अपने परिवार में तो दूसरों को फ़ोन करते हैं वीडियो बनवाने के लिए। इसके अलावा सरोज खुलासे पे खुलासे कर रही है। एक बात सोचने की है कि सरोज का जो झगड़ा है वो अपने हस्बैंड के साथ में है। हस्बैंड से ज़्यादा ब्लेम वो अपनी नंदों पर और अपने देवर पर लगा रही है। आखिर ऐसा क्यों? और उनका बार बार जवाब भी मिल रहा है, लेकिन अभी अरमान मलिक चुप है क्योंकि वो कह चुके हैं कि बार बार मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा। सरोज ने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें काफ़ी कुछ बोला था अरमान मलिक की फैमिली के बारे में। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बोला गया था कि वहाँ का माहौल सही नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे वहाँ पर पले। अब बच्चे पलने का मतलब ये है, आपको बता दें कि सरोज के जो बच्चे हैं वो भी कुछ दिनों के लिए वहाँ रहने के लिए गए हैं, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए नहीं गए हैं। उधर दूसरी तरफ सपना और उनकी बेटी भी कुछ दिनों वहाँ पर अरमान मलिक के घर रह गए, ये मतलब काफ़ी टाइम। आपको पता है कि स्टार्टिंग में जो सपना है वो अरमान मलिक के घर ही रहती थी, नीचे फ्लैट में। इसके अलावा सुनीता की बेटी की बात करें तो सुनीता की बेटी भी कुछ टाइम तक रही है अरमान मलिक के घर में। तो इस चीज़ का इफ़ेक्ट इन दोनों पर पड़ा है। वहाँ पर पहले सपना ने भी रिप्लाई दिया था इस चीज़ का, और अब सरोज की को रिप्लाई दिया है किसने? सुनीता ने, क्योंकि सुनीता की बेटी भी वहाँ रहकर आई है। और जब ब्लेम लग रहा है वहाँ के एटमॉस्फेयर पर कि नंगापना नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली, उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से बोली, लेकिन वहाँ पर अरमान मलिक के फैमिली पर तो दाग लग गया कि भाई ऐसा कैसा माहौल है, जैसा दिखाया जाता है वैसा नहीं होता। तो उस पर सरोज सामने आई, सुनीता सामने आई, सुनीता ने बहुत सारी चीज़ें बोली, उसके रिप्लाई में फिर यहाँ पर सरोज ने भी बोली। मतलब ये है कि सरोज रिप्लाई पे रिप्लाई दिए जा रही है, और दूसरी तरफ से मतलब ऐसा लग रहा है कि कैरेक्टर पर सीधा पहुँच जाती है सरोज। सरोज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि वो कैरेक्टर पर जा रही है। हर एक इंसान के बात कहीं से शुरू होती है और कैरेक्टर पर पहुँच जाती है। अब ये झगड़ा इतना ज़्यादा बड़ा है कि सुनीता ने एक वीडियो डाली और उसके रिप्लाई में फिर सरोज ने फिर से वीडियो डाली, फिर सुनीता ने वीडियो डाली, फिर रिप्लाई में फिर से सरोज ने वीडियो डाली। और वीडियो में इतनी ज़्यादा गंदगी हो रही है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि ये लोग अपने परिवार पर इतने कीचड़ उछाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है इस परिवार की कोई इज्जत ही नहीं है। एक तरफ सुनीता जो है वो ये बोलती है कि भाई तू अपने गिरेबान में झांक के देख ले, तेरा लड़का तेरे ऊपर जो है कैद रखता है, यानी कि नज़र रखता है, तेरे सामान तक छिपा के रखता है, आखिर ऐसा तूने कौन सा कांड किया हुआ है, तेरे चिट्ठे खोले हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने बोली। इस पर सुनीता की बात को रिप्लाई देते हुए सरोज को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया कि मेरे कौन से चिट्ठे खोलोगे। और उस पर सुनीता ने सरोज ने इतना ज़्यादा सुनीता के कैरेक्टर के बारे में मतलब जो पास्ट था सब कुछ खोल डाला, तेरा ये सबूत है, तेरा वो सबूत है, ऐसा लग रहा है कि बड़े छोटे की यहाँ किसी की कोई इज्जत रही ही नहीं है। अब आपको बता दें कि सुनीता ने एक ब्लेम लगाया कि तेरा बेटा तेरे ऊपर कैद रखता था, क्यों रखता था, तेरे ऊपर नज़र रखता था। इसका जो रिप्लाई है वो सरोज ने इस तरीके से दिया है कि मेरे बेटे को तुमने भड़काया था, मेरा बेटा रखता है नहीं रखता था ये तुम चीज़ें अलग छोड़ दो, लेकिन तुम्हारे बच्चे तुम्हारे ऊपर कितना कैद रखते हैं, तुम्हारा आदमी आके हमें तुम्हारी वीडियोस दिखाता है, तुम्हें पड़ोसी ये कहते हैं, तुम्हें दुकान वाला जानता है, तुम्हें दुकान वाले के बारे में से जाके पूछूंगी, तुम्हारे बारे में वीडियो बनाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। मतलब दुकान वाले तक को ये बोला जा रहा है कि इसकी करतूतें तो दुकान वाले तक जानते हैं, तू इसके साथ इतने दिन तक गायब रही थी। ये सब सरोज ने बातें बोली है सुनीता के लिए कि वो तो इतने दिन तक गायब रही थी, उसके बाद हमने केस करा था, वो वापिस आई थी, ये सब चीज़ें। मतलब कुछ कमी नहीं छोड़ी है, कुछ भी कमी नहीं छोड़ी है यहाँ पर सरोज ने। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जब जो कुलदीप है वो वापस आए थे, उन्होंने अपनी बहन के एक्स हस्बैंड को अपने घर बुलाया था। इस पर भी अब सुनीता ने जब ब्लेम मारा सरोज के ऊपर, तो सरोज ने वो चीज़ भी कह दी कि हमने नहीं बुलाया था,
तुम्हारे भाई ने तो उनको उल्टी सीधी सुनाई थी, बल्कि वीडियोस में ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। वीडियोस में साफ ये दिख रहा था कि यहाँ पे सुनीता की इमेज डाउन करने के लिए उस इंसान को बुलाया गया, क्योंकि उसके बाद सुनीता को बहुत हेट फड़ी थी कि अपने इस तरीके के बच्चे को वो छोड़कर चली गई। इसके अलावा सरोज ने एक और ब्लेम लगाया था अरमान मलिक और उनकी फैमिली के ऊपर कि ये लोग मेरे से हिस्सा मांगते हैं, इसलिए मैं वहाँ से घर छोड़कर आ गई। इसका भी सुनीता ने रिप्लाई ये दिया है कि हमने आज तक कोई हिस्सा नहीं मांगा। अरमान मलिक भी ये चीज़ बोल चुके हैं और सपना भी बोल चुकी है, लेकिन फिर किस बेस पर बार बार ये चीज़ें बोली जा रही है? हो सकता है कभी गुस्से में ये चीज़ें बोल दी गई हो कि भाई हमारा भी तो हिस्सा है, तो उस चीज़ को अब बार बार इशू बनाया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि देखिए यहाँ ना तो कोई सही है ना ही कोई गलत है, लेकिन यूट्यूब को सभी ने एक अखाड़ा बना दिया है अपनी फैमिली ड्रामे का। जितना हो लड़ो, फिर उसके बाद में जब पब्लिक बात करे तो एक होकर फिर को हम तो परिवार वाले हैं, हम तो लड़ेंगे भी और प्यार भी करेंगे, तुमको क्या भाई? तुमको इसलिए प्रॉब्लम हो रही है पब्लिक को क्योंकि आप वो चीज़ें दिखा रहे हो। आप लोगों ने अपनी फैमिली का ड्रामा बना के रख दिया है। जहाँ पर पहले लोग बोलते थे कि नहीं अरमान मलिक की फैमिली बहुत अच्छी है, वहाँ पर अब बोलते हैं ना कि अरमान मलिक जितनी इज्जत बनाने की कोशिश कर रहे हैं इतनी ही इज्जत धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और ठीक है, आप लोगों की अगर कॉन्ट्रोवर्सी है तो ठीक है, लेकिन आपने जो पब्लिक को ये सब चीज़ें सुना रही हो, इसका मतलब क्या बैठता है? एक दूसरे के कैरेक्टर पर उंगली उठाना, एक दूसरे के पोल खोलना, एक दूसरे के मैंने तेरे लिए इतना करा, तूने मेरे लिए इतना करा, क्या पब्लिक को दिखाने के लिए किया था या फिर ये चीज़ें बाद में सुनाने के लिए किया था? मैं तो यही कहूँगी कि मतलब ऐसे लोगों को जो जो ये कॉन्ट्रोवर्सी करे ना, ऐसे लोगों को देखना ही बंद कर देना चाहिए जब तक वो कंट्रोवर्सी करे। यहाँ पे सरोज को लोगों को पूरा साथ मिल रहा है, लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सरोज भी मान नहीं रही है, बार बार कंट्रोवर्सी में घुसी जा रही है। इससे उन्हीं का नुकसान होना है, उन्हीं के चैनल फिर से डाउन हो जाएगा। पहले भी इसलिए डाउन गया था कि वो सपना की कॉन्ट्रोवर्सी में घुसी थी। अरमान मलिक का कुछ नहीं जाता, अरमान मलिक अपना जो चीज़ें होती है उनको करके बाहर निकल जाता है, लेकिन ये फैमिली वाले लड़ते रहते हैं आपस में। अरमान मलिक ने पब्लिक को तो ये बोल दिया था कि भाई मेरी भाभी के बारे में कुछ ना बोलो, लेकिन अब अरमान मलिक ये क्यों नहीं बोल रहे अपनी बहनों को कि उसके बारे में कुछ ना बोलो? अगर भाभी को क्यों नहीं बोला जा रहा है कि मेरी बहनों के बारे में कुछ ना बोलो, ये चीज़ें यहाँ ख़त्म कर दो, जो होना है पीछे करो, बैठ के करो, अपना आपस में बात करो। लेकिन नहीं, ना तो इन लोगों की फ़ोन पर बात होती है, ना ही ये लोग पर्सनली मिलते हैं, लेकिन पब्लिक को ज़रूर इन लोगों ने पकाया हुआ है अपनी कॉन्ट्रोवर्सी से। इतना ही नहीं, सरोज ने जो है कुलदीप को फ़ोन करके भी बहुत कुछ सुनाया और दूसरी तरफ से कुलदीप ने भी बहुत कुछ सुनाया। तो मतलब इससे यही लग रहा है कि ये जो चीज़ें चल रही है इस तरीके से लड़ाई झगड़े से शांत नहीं होने वाली। अगर आपको ये लड़ाई झगड़ा शांत करना है और फैमिली को एक करना है तो थोड़े टाइम आपको शांत बैठना पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ें भी यहाँ पर हो रही है सोशल मीडिया पर, इसको कहेंगे ड्रामा। ये सिर्फ ड्रामा हो रहा है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। चलिए हम करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।